देखिए बात होने जा रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया आपको, उसमें क्या बताया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया गया कि भाई देखिए ऐसा है, कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड के अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज आप लेके आते हो तो वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, इसका जो रेशियो होता है उसको हमने कहा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी टेस्ट चार्ज लाया जाएगा। देखो टेस्ट नाम रख दिया गया है, वो चार्ज है। ठीक है, थोड़ा जो चार्ज टेस्टिंग के लिए लाया जाता है वो थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी का होता है, उसकी जो औकात होती है थोड़ा सा हल्की होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो खुद इतना हैवी चार्ज हो जाएगा तो वो खुद अपना फील्ड क्रिएट करेगा, तो फोर्स ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो जो सामने वाला एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका मतलब अगर टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है और टेस्ट चार्ज को आप मूव कराओगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वर्क करना पड़ेगा या वर्क मिलेगा, जो भी है वो तो डिपेंड करता है कि फोर्स कैसा लग रहा है। ठीक है, तो वर्क जो है करना पड़ता है, यही उसकी पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल का मतलब वर्क होता है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए तो जो वर्क करना पड़ता है, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। केवल पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आप कहें। तो आप कहो पोटेंशियल डिफरेंस कहो या कहो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एक हेडिंग डालिए पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी करिए, टाइम पास। पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन क्या होगी, तो लिखिए इफ अ टेस्ट चार्ज is brought from one point, या इस ब्रॉड लिखिए इज मूव टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन साइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बीइंग फिजिक्स टीचर हम कोई शेक्सपियर को तो पढ़े नहीं, पढ़े हैं वो तो ऐसे ही पढ़े हैं जैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड देन वर्क हैज टू बी डन। अगर किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक दिन से दूसरे दिन तक ले जाया जाए तो कार्य करना पड़ता है, द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस मतलब समझिएगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट किया, वो पर्दे के पीछे एक सोर्स चार्ज हो सकता है और वो सोर्स चार्ज यहां हो सकता है। ये आपका कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अब अगर एक टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर यहां पर रखा हुआ है ए पॉइंट पर, तो सिंपल सी बात है उस पर एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, क्यू नॉट इंटू ई, ये लगेगा ना फोर्स क्यू नॉट पे। और अगर इसको ए से बी तक लाया गया है तो यानी कि आपको वर्क करना पड़ेगा कि वर्क ऑब्टेन होगा, करना पड़ेगा क्योंकि ये धक्का उधर मार रहा है, आप दोस्ती इधर चले आ रहे हो। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इफ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, अगर परीक्षण आवेश बिंदु बी से ए से बी तक लाया जाता है, यदि परीक्षण आवेश बिंदु बी से ए तक ए से बी तक लाया जाता है, इफ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये नाम चेंज हो सकते हैं तो कुछ भी होता है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज गिवन बाई वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू
डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। अगर मैं कहूं भाई इसकी यूनिट क्या होगी, अगर मैं कहूं कि भाई साहब की यूनिट क्या होगी, तो आप कहेंगे वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और क्यू की क्या होती है, गुलाम, तो जूल पर गुलाम या एक शॉर्ट यूनिट की होती वोल्ट, ठीक है। यह है पोटेंशियल डिफरेंस। तो करिए देखिए, बात हो रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके कई नाम है, पोटेंशियल वर्ड उसमें होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी हो, ठीक है। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था कि जो टेस्ट चार्ज हम मूव करा रहे थे वो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड थे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा टेस्ट चार्ज होगा, सॉरी सोर्स चार्ज होगा, इसको छुपा के रख सकते हो पर्दे पीछे, मत इसको आगे ला, ठीक है, बल्कि होता है मतलब बैठे बैठे भोकाल टाइप होता है। हमारे रिलेटिव थे तो नहीं रहे वो, उनके गांव में स्थिति ये थी, जैसे किसी की लड़ाई हो गई, साहब वो फलाने हमें खेती नहीं करने दे रहे, बोले ये मेरी बंदूक ले जाओ, खेत के ऊपर एक जो है चारपाई डाल देना, उसमें बिस्तरा बिछा देना, और ये हनुमान वाजपेयी की बंदूक रख देना, मतलब हनुमान वाजपेयी की बंदूक, मतलब हनुमान वाजपेयी उस पार्टी के साथ में, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस खेत के चारों तरफ भटक भी जाए। तो वो है, हो तुम्हारे गांव में होंगे ना, ठाकुरों में तो ऐसे होता ही था, लेकिन पंडित जी में पहली बार दिखाई पड़े। तो ये हनुमान वाजपेयी है, ये पर्दे के पीछे फिलहाल है, इनका फिलहाल रोल इतना है कि इन्होंने ऑलरेडी फील्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान, ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मतलब टेस्ट चार्ज कहां पे रखा होगा, टेस्ट चार्ज मेरा रखा होगा प्लस क्यू नॉट, कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब इसको लाना शुरू करेंगे नजदीक, ऐसे ऐसे आते चले जाएंगे, तब दिखाई पड़ेगा दादा दादा फील्ड, तब दिखेगा ना, धीरे धीरे फील्ड उनको एक्सपीरियंस होगा ना। और इनको कहां पे लेके हमको आना है, ए पॉइंट के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो सिंपल से बात, वर्क करना पड़ेगा। तो वही वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और पोटेंशियल में क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे। तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, वैद्य विभो लिखा होगा, टू अ पॉइंट, सबसे पहले स्टार्ट होगा वैद्य विभो से, ये देखिए स्थिर विद्युत विभो, ये इसे एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभो कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा, द वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एंड गिवेन बाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। अब आप कहेंगे सब दोनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूवमेंट करा रहे थे, ठीक है, इसमें इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, तो इन्फिनिटी में बेचारा रिलैक्स था कि कोई फोर्स हमको नहीं लगा रहा है, एकदम से जब फील्ड के अंदर आना शुरू हुआ तब उसको फोर्स लगना शुरू हुआ। इसकी यूनिट क्या होगी, वही जूल पर कूलम या वोल्ट। अगर मैं कहूं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, विमा, भाई हमने 11th क्लास में डायमेंशन पढ़ी है, वहां बहुत सारे फार्मूले हमको नहीं पढ़ाए गए, कहा गया बड़े क्लास में पढ़ेंगे, फिर अब हम बड़े हो गए तो डायमेंशन हट गई, तो अब कब बड़े पढ़ेंगे, तो बड़े हो गए ना। तो बताइए W की डायमेंशन क्या होती है, वर्क की डायमेंशन बताइए क्या होती है, ये तुम हो ML² T inverse 2 और अपान क्यू, क्यू की डायमेंशन क्या होगी, अब क्यू भी तो बता दो, क्यू की सर बताएं सिंह साहब, क्यू की क्या होगी, क्यू की क्या होती है, एटी, क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू जी क्या होता है, आई टी, क्यू एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है,
एक मूल राशि नहीं है, करंट एक फंडामेंटल क्वालिटी होती है। फंडामेंटल क्वालिटी हम पढ़ाई गई है सात, ठीक है, वो सातों ऐसी होती जो इंडिविजुअल है, मतलब उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि इसकी 80 हो जाएगी। अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर ए इनवर्स वन टी इनवर्स थ्री, तो ये आपकी डायमेंशन किसकी हो जाएगी, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस की भी यही होगी, ठीक है, नोट करिए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ाया गया कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफिनिटी से अगर कोई टेस्ट चार्ज लेके आया जाए तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है, उसको वर्क करना पड़ेगा, वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम कहते हैं पोटेंशियल, ये हमने कहा। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया, ये पॉइंट चार्ज के द्वारा किया गया। तो हमने कहा एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, वो पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, उसने चारों तरफ एक अपना फील्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक है, और उससे आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सावधानी से पढ़िएगा, ठीक है, जो हमने बोला उसी को इंग्लिश में लिखना है कि लेट टेस्ट पॉइंट चार्ज इज सिचुएटेड एट द पॉइंट ओ एंड देयर इज अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। बस अब कहानी फिजिक्स में इतना लिखिए कि मैथमेटिक ढूंढता रहे एग्जामिनर, थ्योरी थ्योरी पड़ी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को लेके आना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब इन्फिनिटी तो हमको मालूम नहीं, हम जाए कैसे, तो हमने कहा ऐसा करते हैं कि कहीं होगी इन्फिनिटी, हमसे मतलब नहीं है, हमने कहा एक पॉइंट ए है यहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जब यहां पर टेस्ट चार्ज आप रख दोगे तो ये जो चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा, कितना लगेगा, एस इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। अब जरा समझिएगा, अगर मैं मान भी लेता ये कहीं पर रखा हुआ है, इसको यहां से यहां तक लेके आना है, वो इन्फिनिटी पॉइंट हम मान लेते हैं, इसको यहां से यहां तक लेके आना है तो वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि जहां से जहां तक बॉडी को लेके आप गए हो वहां तक फोर्स कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। अब बताइए अगर ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा तो फोर्स चेंज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, जब फोर्स चेंज हो जाएगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की मदद से हम वर्क नहीं निकाल सकते, तब क्या करें, नहीं निकाल सकते ना, बोले जा फिर क्या करें, बोले बुक से उठा कर लिख दें, कार्तिक से निकाल देंगे। सुनिए ध्यान से इसका तरीका क्या होता है, ये जो फोर्स काम कर रहा है ये जब ये चार्ज नजदीक आया होगा तो फोर्स चेंज हो गया होगा, चेंज होने में तो कुछ टाइम लगाया होगा ना, अगर ये 10 न्यूटन है तो 10 से 10.1 होने में कुछ तो टाइम लगाया होगा। तो हमने कहा सपोज करिएगा इसको यहां तक लेके हम आए, कितना डिस्प्लेसमेंट किया हमने इसका, dx डिस्प्लेसमेंट किया, और इस dx ये डिस्प्लेसमेंट इतना इस्तेमाल है कि इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान इसका जो फोर्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो नहीं बने, तो यहां से यहां तक आने वर्क निकाल दें, तो वर्क डन या स्मॉल वर्क, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, बाद में लिखिएगा और समझ लीजिए पहले, टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इस स्मॉल वर्क को हमने माना डी डब्ल्यू, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जरा सावधान, क्या आप यहां से यहां तक इस फोर्स की वजह से आ रहे हैं, तो उधर क्यों काम कर रहा है, कि उससे कह देगा भैया हमको इधर चलना, जरा टेढ़े होके चलो, आप उधर धक्का मार दो, मारेगा उधर का, आपको इस फोर्स के बराबर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर ये लगाना पड़ेगा, या यूं कहिए आप इधर क्यों लगाओगे, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना, नहीं लगाना पड़ेगा, वो किसके इक्वल होगा, एफ के अपोजिट होगा, ठीक है, तो इसका मतलब आप वर्क कैसे निकालेंगे, एफ एक्सटर्नल इंटू डीएक्स, मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है,
180 डिग्री का, तो हम एफ डी एक्स कॉस 180 कर दें। लेकिन भाई साहब जिस फोर्स को आप ले रहे हो ना, इस फोर्स के कारण आप मूवमेंट नहीं कर रहे, आपका टेस्ट चार्ज इस फोर्स के कारण मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको इसके बराबर अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। वो एक अलग की बात है कि वो इसी के इक्वल होगा, फिर आप ऐसा लगाएंगे उसमें, ठीक है। तो यानी कि F एक्शन कितना हुआ, माइनस F इंटू डी एक्स, ठीक है। एक बड़ा ही कंफ्यूजन का टॉपिक होता है ऐसे क्वेश्चन में, जब F इधर लगता है और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो बुक में लिखा होता है F इंटू माइनस डी एक्स, ये गलत है, F इंटू माइनस डी एक्स नहीं, माइनस F इंटू डी एक्स होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब आप फोर्स को अपोजिट लगा रहे हो। लॉजिक समझ आ रहा नहीं आ रहा है, बोलने आप बता रहे हो सब समझ आ रहा है, हम नोट कर लेंगे, लॉजिक समझ आ रहा है। हम एफ डी एक्स कॉस 180 नहीं लिख रहे हैं, जो कि बुक में ज्यादा लिखा होता है, क्योंकि एक्चुअली में ये टेस्ट चार्ज यहां से यहां तक इस फोर्स के कारण नहीं मूव कर रहा है, हम इसके बराबर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब जरा इसका मान रख दो, तो माइनस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इस्तेमाल वर्क किया। अब देखो यहां से यहां आ गए आप, यहां आ गए तो फोर्स चेंज हो गया, कितना हो गया 10 न्यूटन बताया था हमने, अब 10.1 हो गया, तो थोड़ी दूर देर तक 10.1 रहेगा ना, तो फिर स्मॉल वर्क निकाल लें, फिर वर्क फोर्स चेंज हो जाएगा, फिर जोड़ दें तो सभी वर्क निकाल क्या करें, टाके ऐड कर दें, तो इसी एडिशन को मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन निकालें, यहां तक नोट कर लीजिएगा इसको, फिर रब करेंगे ऊपर का पार्ट, निकालेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, कहां से कहां तक टेस्ट चार्ज, कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। तो टोटल वर्क डन ये क्या करते हैं, ये जो स्मॉल वर्क डन है इसको सिग्मा लगा देते हैं, सम कर देते हैं, सम को ही कहते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको याद होगा जब आप स्टेटिस्टिक में सिग्मा लगाते थे डीएक्स आई, तो यहां लिखते थे ना आई की वैल्यू वहां कहां से कहां तक वेरी कर दी, लिखते थे ना आई की वैल्यू 1 से 5 तक होगी 10 तक होगी, तो यहां पर लिखेंगे इनिशियली में, इनिशियली टेस्ट चार्ज कहां पे था, इनफाइनाइट में था, तो इनिशियल लिमिट क्या लिखी जाएगी, इनफाइनाइट, और फाइनली कहां पर आ गया, आर डिस्टेंस पर आ गया, ठीक है। अब ये डीडब्ल्यू की वैल्यू रख दीजिए, रखते हैं, तो इस डीडब्ल्यू का मान हम रखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से ये वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी टू आर माइनस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पर ध्यान से देखिए आपकी जो जो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है वो डीएक्स एक्स चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस चेंज हो रही है, और सब चीज कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो और सबको बाहर निकालना हो तो माइनस क्यू क्यू नॉट अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिखेंगे माइनस सॉरी इन्फिनिटी टू आर आएगा एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। अब इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब चूंकि इंटीग्रेशन वाले मैथ वाले भी नहीं जानते, क्योंकि मैथ वाले भी इंटीग्रल पढ़े नहीं, उतना ही आता है बायोलॉजी वालों को आता है, तो सुन लीजिए ध्यान से सावधान। अगर अकेला डीएक्स लिखा होता और डीएक्स के साथ कुछ भी ना लिखा होता तो इसका इंटीग्रल होता है एक्स, याद करा रहा हूं केवल, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और अगर डीएक्स के साथ कोई एक्स का फंक्शन ऐसे लिखा होता है कि इसका इंटीग्रल होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो देखिए डीएक्स के साथ कुछ ऐसा लिखा है ना, तो यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो अप्लाई कर देते हैं हम, तो ये क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या आएगा एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और जो लिमिट होती है ना वो उस ब्रैकेट के बाहर यहां लिख दिया गया, 11th क्लास में इसका कंसेप्ट पढ़ाया गया होगा, इंटीग्रल भी मैथमेटिकल फिजिक्स एक चैप्टर होता है, इंटीग्रल भी वहां पढ़ाई गई होगी, ठीक है। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां माइनस वन आएगा, ये माइनस क्या करेगा इसको बाहर प्लस कर देगा, तो यह आएगा क्यू क्यू नॉट अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए यहां एक्स पावर माइनस वन होगा तो ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, यहां जाएगा वन बाई एक्स, और लिमिट कहां लिख देंगे यहां पर, ठीक है।
अब लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, एक्स की जगह पहले लिखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्यू क्यू नॉट अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपान आर माइनस वन अपान इन्फिनिटी। तो वन अपान इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू क्या निकलेगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान आर, ये वर्ग निकला। ठीक है, इसका एक और प्रूफ दिमाग में आप ला सकते हैं कि किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से आप लेके कहां पर आ रहे हैं, आर डिस्टेंस पर इतना वर्क किया गया, और वर्क ही एनर्जी होती है, तो इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। अब आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, तो इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक है, नोट करिए, जरा समझिएगा। अगर ये जो टेस्ट चार्ज था ये भाई साहब निगेटिव होते या पॉइंट चार्ज निगेटिव होते और वहां से टेस्ट चार्ज चला आ रहा होता, यानी ये जो पॉइंट चार्ज था ना ये निगेटिव होता और यहां से टेस्ट चार्ज चला आ रहा होता और दूर से दिखाई पड़ता, तो क्या इसको कैसा महसूस होता है, इसको बढ़िया महसूस होता है, बढ़िया महसूस होता। तो क्या इसको यहां आने के लिए उबड़ खाबड़ जगह दिखाई पड़ती, नहीं। अभी कुछ नई नई शादी हो, साइकिल मिली हो दहेज और साइकिल पीछे बैठा चलना हो तो देखो कितनी स्पीड चल रहा है, मार पूरा चला लेंगे, यानी ये भाई साहब इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो अट्रैक्शन में वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्टेन होता है, मिलता है। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर निगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ क्यू का साइन क्या लगेगा, माइनस। यानी अगर मान लें हम एक नोट लगा दें कि इफ पॉइंट चार्ज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज इज माइनस क्यू, माइनस क्यू है, तो वी क्या होगा, माइनस में आ जाएगा क्यू पाना, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब आप कहेंगे ठीक है भैया ये माइनस आने वाला ही माइनस, तब क्या होगा, फिर वही गड़बड़, फिर रिपल्सन, तो यहां दोनों निगेटिव आ जाएंगे ना, तो दोनों निगेटिव आ जाएंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो यहां से टॉपिक निकल रहा है ना। तो अगर दोनों निगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, जहां रिपल्सन होता है वहां वर्क करना पड़ता है, जहां वर्क करना पड़ता है वहां वर्क पॉजिटिव होता है, और जहां वर्क ऑप्टेन होता है वीक जैसा होता है, दे 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 ले ले रख लिया, तो वही वो रुपया कैसा होगा, वो निगेटिव होगा ना। तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल निकालते वक्त आपको इस चार्ज का साइन देखना पड़ेगा, नेचर देखना पड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है, यहाँ डायरेक्शन नहीं देखना है, केवल आपको साइन देखना है। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस कहिए या मल्टीपल चार्जेस कहिए, बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, हम हिंदी वाला तो भूल ही जाते हैं, समझा दिखता तो पूछ ही जाते हैं, डायपोल है इसके पहले होगा, हाँ सिस्टम ऑफ चार्जेस कहाँ पर, हाँ अगर बहुत सारे चार्ज रखिए, देखिए यहां से मैंने यहां पर चार्ज रखा है प्लस क्यू वन, यहां पर रखा है माइनस क्यू टू, यहां पर रखा है प्लस क्यू थ्री, यहां पर रखा है माइनस क्यू फोर, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज साहब हैं वो कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी में, और वो यहां पर लाए गए, ठीक है, यहां से आर वन डिस्टेंस इसकी थी, यहां से आर टू डिस्टेंस थी, यहां से आर थ्री डिस्टेंस थी, यहां से आर फोर डिस्टेंस थी, यहां से आर वन थी, यहां से आर टू है, यहां से आर थ्री, यहां से आर फोर है। तो जब टेस्ट चार्ज आ रहे होंगे उनको ये दिखाई पड़े होंगे, हाँ वे सर देखो बेटा, अरे यार क्या बताए, अरे ये देखो मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगे आज आए, जैसे जब स्कूल में टीचर जाता है तो क्या होता है, जैसे देखिए इनकी वाइफ पे नहीं आए तो इतना खुश होते हैं ना, मैथ चाहे इतना अच्छा पढ़ा तो अगर मैथ टीचर नहीं आया, वो भी डेढ़ सौ आया नहीं आया, बोले वो देखो पढ़ा ऐसे सर में बाल नहीं दिखाई पड़ा, अभी खड़ा तो है कहाँ से आया, बोले आज स्कूटर नहीं आया, आज वो लगता है बस से चलाया। तो ये भाई साहब जब दिखेंगे तो क्या लगेगा, इनको वर्क करना पड़ेगा, और ये मैडम पढ़ाएंगे इंग्लिश वाली, हाँ क्लास अच्छा रहेगा, ये फिजिक्स वाले कोसट, ये हिंदी वाली मैडम कोई दिक्कत है नहीं, सो आराम से पढ़ाती रहेंगे, सोते रहो, ठीक है।
तो यानी कि आपको क्या, जब आप पोटेंशियल निकालेंगे ना तो सबके लिए क्या करेंगे, विद साइन लिखेंगे, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सिन से रिपल्सन लगेगा, यानी प्लस में क्यू वन अपान आर वन होगा, इन से तो अट्रैक्शन लगेगा, ये माइनस क्यू टू अपान आर टू होगा, ये फिर घोसट प्लस क्यू थ्री अपान आर थ्री हो गया, माइनस क्यू फोर अपान आर फोर होगा। इस प्रकार से पोटेंशियल निकाल के हम विद साइन लिखेंगे। साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर वर्क आपको करना पड़ता है और कहीं कहीं पर वर्क आपको ऑब्टेन होता है। समझ में आई बात।